हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चे, इसको लास्ट तक जरूर देखना। आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ। मैं खुद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ। 11 ट्वेल्थ के बहुत सारे बच्चों को हमने मेंटर करा है अभी तक, लेकिन आज तुम्हें एक सच्चाई बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि तुम्हें रियलाइज करनी पड़ेगी। द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर रहे हैं, बच्चे ये फेस कर रहे हैं कि डिस्ट्रेक्शन उनके पास बहुत ज़्यादा हैं। आज अगर मैं बात करूँ क्लास ट्वेल्थ के बच्चे से, अगर बात करना चाहता हूँ, तो आज भी क्या दिक्कत है कि वो बच्चा अभी भी उसी इल्यूजन में जी रहा है जो कि वो पहले जी रहा था। भैया, कौन से इल्यूजन में हम सब जी रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, लास्ट तक वीडियो देखना। अगर अभी भी आप क्लास 12 के ऐसे बच्चे हैं, क्लास 12 के अभी जो बच्चे हैं, इनको अगर मैं कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऐसे बच्चे होंगे। तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहा हूँ। एक कैटेगरी में ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी से उनकी पढ़ाई जा रही है, साथ में ये बच्चे जो है अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भी देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये बच्चे जो है, इनकी संख्या मैक्स टू मैक्स 10% हो रही होगी। बाकी जो 90% बच्चे हैं, उनकी अब हम बात कर लेते हैं, ये किस समस्या में डूबे हुए हैं। बाकी जो 90% बच्चे हैं, इनमें से कुछ ऐसे वाले बच्चे होंगे जो एक कैटेगरी होगी कि भैया हमारे ना 11th के जो बेसिक्स हैं वो 50% आते हैं, और 12th भी जो हमारी बस 50% चल रही है, और ये जो हमारे पास मेजोरिटी होने वाली है, ये नियर बाय 30-40% हो रही होगी। बाकी जो बच्चे हैं, ये ऐसे बच्चे हैं कि या तो भैया हमको 11th के बेसिक्स बिल्कुल खत्म है हमारे, हम बेसिक्स हमें आते नहीं है, और 12th की भैया बस हमारी ना 10-20% या 30% तक हमने कवर कर रखी है। आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए एक अलार्म है, तुम्हारे लिए एक वार्निंग है कि आज से भी अगर स्टार्ट करते हो तब भी तुम बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो क्या होने वाला, ये बात पहले समझ लो। तो मैं बाद की सच्चाई में पहले ही बता देता हूं, वीडियो को सही से समझो और सुनो। देखो, अगर तुम इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी है। आपके लिए अगस्त आ चुकी है। अगस्त जो है वो हमारी हाफ हो चुकी है बेटा, ठीक है। और अभी आपकी दिवाली आने वाली है, दिवाली आएगी, ठीक है, फेस्टिवल्स आएंगे, सर्दी में तुम्हें ठंड लग रही होगी, फिर तुम्हारे प्री वोट्स आ जाएंगे, तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा तुम्हारे पास। वी हैव, अगर मैं अगस्त की बात करूँ, हम अगस्त में, देन सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर और दिसंबर। अब दिसंबर के बाद से तुम्हारे जनवरी में प्री वोट्स शुरू हो जाएंगे, फरवरी में तुम्हारे प्रैक्टिकल्स हो रहे होंगे, और मार्च में जनवरी में तुम्हारे ये प्री वोट तुम्हारे पास दिसंबर से शुरू हो जाते हैं। मान लेता हूँ दिसंबर से प्री वोट शुरू हो जाएंगे, जनवरी में प्रैक्टिकल्स हो रहे होंगे, फरवरी मार्च में तुम्हारे फाइनल एग्जाम हो रहे होंगे। नाउ तुम्हारे पास कितना टाइम है, सिर्फ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का टाइम है। वहां पे भी तुम्हारी दिवाली आ रही होगी, तो वो 15 दिन मैंने अगस्त में एडजस्ट कर दिए हैं। तो भैया हम करें क्या, आपको सिर्फ करना क्या है, आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है, क्या है, सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर। क्या करना है, सबसे पहले अपने मेन सब्जेक्ट पर फोकस करना है, और टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है, तो अब प्राइमरी फोकस आपको करना है मेन सब्जेक्ट, और उसके बाद आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, क्या है, आपका जो भी ऑप्शन सब्जेक्ट है उस पर फोकस बिल्कुल करिए। अब ये जो एक ऑप्शन सब्जेक्ट है जिसको तुमने बहुत ज्यादा हल्के में लिया हुआ था 2 साल तक, ये ऑप्शन सब्जेक्ट जो आपकी 1 साल वेस्ट करा सकता है। कैसे वेस्ट करा सकता है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर बाय द चांस क्या होता है, इस सब्जेक्ट को तुमने बहुत ज्यादा हल्के में लिया, जो कि बच्चे बहुत ज्यादा लेते हैं, फिर लास्ट में वो चाहते हैं भैया 10 दिन में हम कर लें, 20 दिन में कर लें, 5 दिन में कर लें, हमें भैया इतने नंबर लाने होंगे। देखो, दिक्कतें क्या होती हैं आप लोगों के साथ में, आप थोड़ा इल्यूजन में ज्यादा जी रहे हो। कैसे जी रहे हो मैं समझाता हूँ। मान लो कि एक बच्चा जो है फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ी, मैथमेटिक्स पूरे साल बहुत अच्छी पढ़ी। अब यूजुअली क्या होता है कि जो ऑप्शन सब्जेक्ट पेपर होते हैं वो लास्ट में होते हैं, ठीक है। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो कंप्यूटर साइंस का पेपर लास्ट में ही रखा जाता है, ऑब्वियस ऐसा अभी तक होता आ रहा है। तो अगर किसी का फिजिक्स का पेपर जो है मोस्टली हार्ड रहता है हर बार की तरह, ठीक है, अगर किसी के इसमें परसेंटेज गिरे, तो फिर क्या हो जाता है कि अगर आपको ये 75% वाला क्राइटेरिया पूरा करना है, तो आपको एक मिनिमम सेट ऑफ नंबर की रिक्वायरमेंट होती है ऑप्शन सब्जेक्ट में, तभी आप वो जो क्राइटेरिया पूरा कर पाओगे। अगर आप पूरे साल इस सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा वक्त देते हुए चलते, तो ऐसी कंडीशन नहीं आती कि आपको अब भैया मुझे ना, एक बच्चा आया था मेरे पास, भैया अब मुझे अगर मेरे कंप्यूटर साइंस में 93 नंबर नहीं आए, तो मेरे 75% क्राइटेरिया नहीं पूरा हो पाएगा। तो अब क्या है, इस टाइम में आपके पास ऑलरेडी टाइम कम होता है लास्ट में, ठीक है, और आपने एक्स्ट्रा प्रेशर और क्रिएट हो जाता है कि भैया आप नंबर 93 और लाने हैं, ठीक है। और जब जो चीज़ें, बिकॉज प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है कि आपको टाइम लगता है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है, लॉजिक को बिल्ड करने में समय लगता है, आप जब इतने ज़्यादा प्रेशर में पढ़ोगे, तो आपको लगता है कि आप इतने नंबर स्कोर कर पाओगे,
इवेंचुअली उस बच्चे ने कर लिए थे, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आई थी, बैच में एनरोल भी करा था उसने, तो इवेंचुअली वो कर ले गया था, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे नहीं कर पाते हैं। फिर ये क्या होता है, देखो अगर तुम्हारा क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, बाई द चांस मान लो तुम्हारी कंपार्टमेंट लग गई, एक बच्चा ऐसा था जिसकी कंपार्टमेंट लग गई, किसमें, जो आपका मई का क्लास ट्वेल्थ एग्जाम हो गया उसमें कंपार्टमेंट लग गई, अब क्या होगा, देखो कंपार्टमेंट के बाद आप जुलाई में एग्जाम दोगे, ठीक है, बच्चों की इसमें भी कंपार्टमेंट आ रही है, ठीक है, अगर आप इसमें भी पास नहीं हो पाए तो अब पता क्या होगा, अब आप एक साल तक ना तो तुम एक साल तक इसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, तुम्हें अब जो तुम्हारा एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सेशन के बच्चों के साथ में होगा, यानी कि जब तुम ट्वेल्थ में थे जो तुम्हारे जो इलेवेंथ के बच्चे तुम्हारे साथ में थे, जब वो ट्वेल्थ में एग्जाम देंगे तब तुम्हारा पेपर तुम्हें उनके साथ में देना पड़ेगा। साफ भाषा में अगर मैं समझा दूं तो जो एग्जाम तुम अभी दे रहे हो वो 2025 सेशन का एग्जाम है, ठीक है, एंड आपको नेक्स्ट सेशन में एग्जाम देना पड़ेगा, 2025 से 26 वाले सेशन में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब जब आपको इस सेशन में आप एग्जाम देंगे अगले वाले सेशन में, तो आपके पास क्या दिक्कतें हो जाएंगी कि आपको अभी भी बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी है प्लस इस एग्जाम की भी तैयारी करनी है, आपके पास डबल प्रेशर बिल्ड हो रहे होंगे, ठीक है। जो भी बच्चे हैं जो जनवरी वाले जेई के लिए अभी से जो जेई वाले और जनवरी वाले जेई के लिए फोकस कर रहे हैं, ये बात ध्यान रख लेना है कि आपको अभी से ही पता है, जब क्लास ट्वेल्थ शुरू होती है ना अप्रैल में ही आपको पता चल जाता है कि आपको जनवरी में जेई मेंस देना है, तो आपको ये एक्सक्यूज नहीं बनाना है कि भैया हमारा तो जनवरी में जेई था, हम बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, क्यों, ये एक्सक्यूज किस चीज के लिए, और ये एक्सक्यूज बिल्कुल मत बताना कि भैया हम तो पढ़ेंगे नहीं, हम तो साफ बिजनेस करेंगे, तो बेटा बिजनेस करने के लिए भी ना एजुकेशन चाहिए होती है, ठीक है, विदाउट एजुकेशन आप कौन सा बिजनेस करोगे, आप जिस चीज के बारे में भी बिजनेस करोगे उसके बारे में तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। और ये बात और समझ लो कि जितनी ज्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी होगी उतना ज्यादा आपको फायदा हो रहा होगा, तभी आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द आईआईटीएंस जो हैं वो यूनिकॉर्न कंपनीज के फाउंडर है, क्योंकि उनको वो एनवायरमेंट मिलता है, ठीक है, और एनवायरमेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, ये बात आपको समझना है। और अगर तुम्हें अच्छे कॉलेजेस में जाना है तो एक रीजन हो सकता है जो कि दुनिया तुम्हें बता रही है, तुम्हें बड़े बड़े पैकेजेस लग रहे हैं, सीआरएस के पैकेज वहां पर मिल रहे हैं, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली रीजन टू गो इनटू द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स। द सेकेंडरी रीजन और जो मेरे हिसाब से प्राइमरी रीजन होना चाहिए वो ये है कि आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको वो एनवायरमेंट, आप वो एनवायरमेंट में रहना चाहते हैं, वो लाइक माइंडेड लोगों का एनवायरमेंट, वो इंटेलिजेंट लोगों का एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट की वैल्यू होती है। समझ में आ रही है बातें? तो अब ये हम करें क्या, देखो तुम्हारा कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहली चीज बता रहा हूं, तुम किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो, ये स्ट्रेटजी हर सब्जेक्ट के साथ में काम कर रही होगी। मैं ये मान लेता हूं कि तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट है जो कि तुम्हें 10-20% ही अभी तक तुमने आता है, ठीक है, या उन बच्चों को बता रहा हूं जिनको अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करें किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, आपने अगर एक चैप्टर पढ़ा, हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया फिजिक्स का, अब हमें क्या करना है, इस अपने कंसेप्ट को वैलिडेट करने के लिए इस चैप्टर के PYQ सॉल्व करने हैं, सिंपल, क्या करना है, इस चैप्टर का PYQ सॉल्व करने हैं। अगर आप ये ऐसी सभी चैप्टर वाइज चीजें करते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा, क्या करना है, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो रहा होगा, और साथ में आप बहुत इजीली चीजें कर भी पा रहे होगे, आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी हो रही होगी। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आप अपने बोर्ड एग्जाम को बचा लो, उसके बाद आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर फोकस कर लेना, क्योंकि ऐसी कहानियां बहुत सारी हैं कि जिनके एडवांस तक क्वालिफाई हो गए, बोर्ड में नंबर नहीं आए तो IIT में नहीं जा पाए, ठीक है। रिसेंटली न्यूज आई थी कि जिस बच्चे का 700 से ऊपर नंबर थे, ठीक है, किसमें, नीट में, बट उसके बोर्ड जो उसका क्राइटेरिया है नीट का वो फॉलो नहीं था, बोर्ड में उतने नंबर नहीं थे, जिस वजह से वो नीट में सीट नहीं ले पाई। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना है, इल्यूजन में नहीं जीना है, रियलिटी में फोकस करना है, प्रेजेंट पर जीना है, अपने फ्यूचर के लिए कभी अपना प्रेजेंट को आप बेकार ना करें। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट करके बताना जो भी आप दिक्कतें फेस कर रहे हो, हम उनको सॉल्व साथ में करेंगे।